जय हिंद। इससे पहले एक वीडियो जिसमें हम बताए थे वैक 12 के बारे में, तो वहाँ कई लोगों ने पूछा है कि सर ऊपर का तार घिस क्यों नहीं जाता है, तो इस वीडियो में हम लोग ए टू जेड समझेंगे। देखिए, रेल का जो खंभा होता है, ये खंभा, इस खंभे को हम लोग कहते हैं मास्ट, ये खंभा कहलाता है मास्ट। एक खंभे से दूसरे खंभे की जो दूरी होती है उस दूरी को कहते हैं हम स्पैन। एक खंभे से दूसरे खंभे की स्पैन जो दूरी होती है वो लगभग 60 मीटर की होती है, लेकिन ये दूरी घुमाव पर थोड़ा कम कर दिया जाता है। अगर घुमाव ज़्यादा है तो दूरी को और कम कर दिया जाएगा। अब आप देखे होंगे कि रेलवे के ये जो मास्ट होते हैं, इन मास्ट पे कुछ नंबर लिखे रहते हैं। जैसे आप देखें, यहाँ लिखा है 54/17, ऐसे आप देखते हैं 834/3, ऐसे देखते होंगे। ये नंबर क्यों आते हैं, आप ट्रेन में सफ़र करते हुए इन नंबरों को देखे होंगे। ये नंबर इसलिए बनाए जाते हैं कि ड्राइवर जब लोकोमोटिव ट्रेन को ले जा रहा होता है और रास्ते में अगर उसे ट्रैक में कोई गड़बड़ी नजर आती है कि ट्रैक गड़बड़ है, कहीं टूट फूट हुई है, तो कैसे बताएगा कि कहाँ पे गड़बड़ी आई थी? क्या बोलेगा कि दिल्ली से चले थे, एक जगह गड़बड़ दिखा, खोजिए, तब तक ट्रेनें लड़ जाएगी। तब उस समय वो तुरंत देखता है कि ये पोल नंबर यानी ये मास्ट नंबर कितना है, और वो तुरंत स्टेशन को इन्फॉर्म करता है कि मास्ट नंबर इतना के पास आसपास में हमने गड़बड़ी देखी, तो थोड़ी सी दूरी में खोज लेंगे लोग कहाँ गड़बड़ी है। तो ये होता है मास्ट नंबर। अब आप देखिएगा, जो मास्ट होते हैं इनके बीच की दूरी तो स्पैन हो गई, अब इसमें एक आर्म रहता है, ये आर्म से तार गए रहते हैं। ऊपर के तार को हम कहते हैं कैटिनरी वायर और नीचे के तार को कहते हैं कॉन्टैक्ट वायर। कैटिनरी वायर और कॉन्टेक्ट वायर को जोड़ने का काम जो करता है वो ड्रॉपर करता है। यहाँ देखिए, ये ऊपर का वायर है तो इसे हम लोग कैटिनरी वायर कहेंगे, नीचे का वो जो वायर है ये है आपका कॉन्टेक्ट वायर, यही करंट की सप्लाई देता है, और ये बीच में जो इनको जोड़ के रखता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ड्रॉपर कहते हैं। ड्रॉपर आप ये देख सकते हैं, ये क्या है आपका ड्रॉपर है। इसमें आप देखिए, तो ये तो आर्म हो गया इसका, ये पकड़ के रखा है, ये ऊपर वाला कैटेनरी वायर, नीचे वाला कॉन्टेक्ट वायर, और ये जो इसको पकड़ के रखता है ये क्या हो जाता है, ड्रॉपर कहलाते हैं। समझ में आया आपको? ये जो कॉन्टेक्ट वायर होता है इसके साथ समस्या ये होती है कि गर्मी के दिन में ये फैल जाता है, ठंडी के दिन में सिकुड़ जाता है। अब इसको हमको एकदम एक सीध में रखना है ताकि ट्रेन संचालन में कोई दिक्कत ना आए, तो इसको हमेशा सीध में रखने के लिए हमको एक ऑटोमेटिक इस पर टेंशन, एक तनाव देना होता है जिसे हम ऑटो टेंशनिंग कहते हैं। आप ट्रेन में सफर करते हुए देखे होंगे कि आप इसको थ्री पुली अरेंजमेंट देखे होंगे, इसमें तीन पुली लगाया जाता है, इसे थ्री पुलिंग अरेंजमेंट कहते हैं। ये जितना भी इलेक्ट्रिक चीजें होती हैं उसे हम लोग ओवरहेड इक्विपमेंट कहते हैं, सर के ऊपर जो इक्विपमेंट लगा है OHE। तो इस OHE के थ्री पुली अरेंजमेंट में आप इस तरह से पत्थर के टुकड़े देखे होंगे, गोल गोल लटका दिया होगा इसको, ये लटका देने से उस पर तनाव हमेशा बना रहता है। अब आप पूछेंगे इसका टोटल वेट कितना होता है, तो ऑटो टेंशनिंग का टोटल वेट 667 केजी होता है। इसमें आप देखेंगे टोटल 18 ठो इसमें बॉक्स लगाए रहते हैं, जिसमें से 40 केजी का 16 बॉक्स होता है, तो टोटल 640 हो गया, 20 केजी का एक बॉक्स हो गया, इसका 20 केजी और एक 5 केजी का, इस तरह से देखेंगे तो 665 केजी होता है, और नीचे एक ठो पत्थर लगा होता है लोहे का, वो 2 केजी का। तो इस प्रकार इस तरह से हम लोग 667 केजी का टेंशन इस पर मेंटेन रखते हैं ताकि ये तार हमेशा हर एक मौसम में इसमें तनाव बरकरार रहे। अब बात करते हैं कि इस जो कॉन्टेक्ट वायर है उससे करंट को रिसीव कैसे किया जाता है, तो करंट रिसीव करने वाले को हम पेंटोग्राफ कहते हैं, ये पेंटोग्राफ इससे जुड़ा रहता है। अब आप कहेंगे कि पटरियां कहीं ऊपर नीचे होती हैं तो तार भी ऊपर नीचे होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक ही सीध में, थोड़ा ऊपर नीचे है, तो ये ऊपर नीचे होने से छोड़ ना दे, इसलिए इस पेंटोग्राफ को हम यहाँ से एयर प्रेशर देते हैं नीचे से, ये एयर प्रेशर से उसको ढकेले रहता है। अगर ये ढकेले हुए है, तार ऊपर भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो पीछे से पुश करके ही है, और अगर तार नीचे है तो ये वापस चलाएगा। इसमें एक वाल लगा रहता है कि अगर तार नीचे आ रहा है तो उधर के प्रेशर ये इधर आ जाता है, लेकिन अगर उधर प्रेशर कम है तो ये ढकेल देता है। तो इस प्रकार एयर प्रेशर द्वारा हम पेंटोग्राफ को ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। अब ये पेंटोग्राफ घिसता क्यों नहीं है, तो ध्यान दीजिए, जो तार होता है ऊपर वाला वो कॉन्टेक्ट वायर, वो कॉपर का होता है, मजबूत होता है, और ये जो पेंटोग्राफ होता है इसका जो ऊपरी फेस होता है जो कॉन्टेक्ट में रहता है वायर के, उसको जानबूझकर हम नरम लोहा को बनाते हैं, क्योंकि दो चीज़ों में अगर घिसावट होती है तो वही घिसता है जो कमज़ोर होता है। तो जानबूझकर पेंटोग्राफ का ऊपरी भाग हम नरम लोहा का बनाते हैं कि इसमें घिसावट जल्दी हो जाए। और एक चीज़ और, जो वायर ले जाया जाता है उसको एकदम स्ट्रेट नहीं ले जाया जाता, हल्का सा घुमा, हल्का सा तिरछा कर दिया जाता है कहीं सीधा, ताकि जो इस पर घिसावट हो वो एक ही जगह ना हो, इस पर घिसावट अलग अलग जगहों पर होती रहती है। अब सवाल आता है कि पेंटोग्राफ जो होता है वो दो होते हैं, एक इंजन में दो पेंटोग्राफ होता है, एक आगे होता है एक पीछे होता है, तो कहते हैं लोग कि सर आप
अगला पेंटोग्राफ उठाना चाहिए कि पिछला पेंटोग्राफ उठाना चाहिए। आप इस ट्रेन में देखेंगे तो इसका रियर यानी पीछे वाला पेंटोग्राफ उठा है, और इस ट्रेन में देखेंगे तो इसका फ्रंट यानी सामने वाला पेंटोग्राफ उठा हुआ है। तो नियम के हिसाब से हमें पिछला पेंटोग्राफ उठाना चाहिए। रीजन क्या है कि अगर पिछला पेंटोग्राफ उठा के इधर खींचेंगे तो एक प्रकार का ये खिंचाव बल को दर्शा रहा है, किसी चीज़ को खींचना आसान होता है। और अगर आप फ्रंट पेंटोग्राफ को उठाकर और ट्रेन खींचते हैं तो ये एक ढकेलने वाले पुश फोर्स को दिखाता है, तो पुश करने में ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है। तो अगर पेंटोग्राफ आगे वाला रहेगा तो ये पुश फोर्स को दिखाएगा, इसमें एनर्जी ज़्यादा लॉस होगी इंजन की। और अगर वही पेंटोग्राफ रियर यानी पीछे का उठा रहेगा तो ये पुल फोर्स को दिखाता है, खिंचाव को, जिससे कि इंजन की एनर्जी बचेगी। अब आप इस आधार पर आप देखेंगे ये एक इंजन खड़ा है, इस इंजन का ये वाला पेंटोग्राफ उठा हुआ है, ये वाला। अब आप बताइए इसको इधर जाना चाहिए या इस साइड जाना चाहिए। इंजन है, आपको कोई अपने दिमाग से बताइए आपको इसको किधर भेजना चाहिए। जेन्युइन है कि हमको पिछला पेंटोग्राफ उठाना चाहिए, तो ये उठा है तो इधर भेजेंगे तभी ना पिछला पेंटोग्राफ उठेगा। आप इसको देखे भी होंगे, देखिए पेंटोग्राफ की हाइट जो होती है वो एडजस्ट हो सकती है, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। एक्चुअली मुंबई से दिल्ली तक में एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वहाँ पर केवल मालगाड़ियाँ चलेंगी उस रूट पर, और दो तल्ली मालगाड़ी चलेगी, मतलब दो दो तल्ला मालगाड़ी पर हम लोग कंटेनरों को लाद देंगे, जिसको हम डबल डेकर कहते हैं। देखिए यहाँ एक के ऊपर एक लादा हुआ है। एक्चुअली इस इमेज में तो आपको ईएमडी लोकोमोटिव दिख रही है, आप कहिएगा कि सर ईएमडी लोकोमोटिव, एल्को लोकोमोटिव, डब्ल्यूएजी, डब्ल्यूएपी, ये इंजनों में डिफरेंस बता दीजिएगा तो उसमें अलग वीडियो बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये ट्रेन तो डीजल से चलने वाली है, इसके लिए क्या जरूरत है इलेक्ट्रिक को लेने की। लेकिन अगर सोचिए कि अगर यहाँ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रहता तो इसका जो पेंटोग्राफ था ये काफ़ी हाई उठाना पड़ता पेंटोग्राफ, तो हाई पेंटोग्राफ भी होते हैं सब। देखिए यहाँ इसका पेंटोग्राफ कितना हाई है, तो हाई पेंटोग्राफ भी हो सकते हैं, ये एयर प्रेशर पे होते हैं, ये ज़्यादा उठ भी सकते हैं और नीचे भी रह सकते हैं। जब ये डबल डेकर रूट में है तो ये डिपेंड करते हैं पेंटोग्राफ की हाइट कि जो ऊपर ओएचई है, ओवरहेड इक्विपमेंट, उसका कॉन्टेक्ट वायर कितनी ऊंचाई पर है, उसी हिसाब से ये एडजस्ट हो सकता है या नीचे आ सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको भी आप जानना चाहते हैं कि ये लाल वाला डिब्बा यानी एलएचबी कोच और ये नीले वाले डिब्बे आईसीएफ में क्या अंतर होता है, आजकल जो इंजन आ गए हैं ईएमडी आ गए हैं, हालांकि आप पहले देखेंगे तो एल्कोल होते थे, इससे जुड़ा बहुत हल्ला करता था ये वाला, झक 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 धुआं फेंकता था काला, और ये वाला धुक 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 चलता है, ये बहुत तगड़ा है, धुआं भी कम करता है। आइए जो ट्रैक के ऊपर ये नंबर लिखा है, पोल नंबर, ये तो बता ही दिए किस लिए लिखा है, ताकि कोई ट्रैक में गड़बड़ी हो तो ड्राइवर देख के बता सके कि यहीं पर गड़बड़ी था। और भी आप ट्रेन में देखे होंगे सफ़र करते समय, एक इस तरह से अल्मोनियम का एक्सल काउंटर आपको डिब्बा मिलता होगा, ट्रैक के किनारे FM लिखा होता होगा, मालगाड़ी के अलग अलग डिब्बे देखते होंगे, कुछ खुले हैं, कुछ सपाट है, कुछ बंद है। अगर इसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, उसको भी हम बिल्कुल कम समय में और आसान भाषा में समझा देंगे आपको। तब तक के लिए जय हिंद।